आपका कैमियो भी है रंगीला में। कैमियो इसलिए वो यार वो मैं तो उसमें वो वहाँ पे सेट पे गोवा पे वो एक्टर जो आया नहीं जो डायलॉग बोलने वाला असिस्टेंट डायरेक्टर था गुलशन ग्रोवर का और मैं फिर गुलशन ग्रोवर बोला बेटा कर ले मेरी जान क्या कर रहा है तू चल मैं बोल रहा हूँ तो कुछ खाता हो ना मेरे को अच्छा लगता है मैं बोलता वाह दर्द है तो एक दो जन मेरे को बोले दर्द है क्या आई ओके ना यार ऐसा है ना कि कभी भी कुछ भी किधर भी कुछ भी हो जाता है देश में ना हाँ। तो इमीडिएटली कोई ना कुछ ट्वीट करेगा ना मधुर भंडारकर विल मेक अ फिल्म ऑन इट। मेरा भी ये होता था हाँ। क्या शॉट है यार कमाल शॉट है हाँ। हाई स्पीड शॉट है हाँ। अच्छा मेरे को घर वाले बोले हाई स्पीड अच्छा उनको स्लो मोशन को हम लोग हाई स्पीड बोलते समझ में नहीं आता है बोलता होता इतना स्लो चल रहा है तो हाई स्पीड कैसे हो गया। हेलो सर एमबी वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी कैसे हो आप। थैंक यू सो मच सो नाइस टू हैव यू। ये जो अच्छा फ्लेयर मिलेगा हमें टॉप लाइट की वजह से उसका फुल फायदा उठाता हूं मैं बहुत जरूरी है। जी क्या होता है ना एक फिल्म मेकर के साथ बैठने का मजा अलग है साहब। तो कई सारे क्वेश्चंस हम एक्ट्रेस को जो पोज करते हैं ना हाँ। वो कायदे से आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। नहीं करेक्ट है और कुणाल के साथ वाला हमारा एपिसोड कल्ट एपिसोड माना जाता है। अच्छा हाँ। ऐसा क्या बोल दिया उसने यार। अरे बस जस्ट फन था इट वाज जस्ट लाइक रिलेटेबल मैक्स। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो कमेंट में बताइए ताकि सर को भी समझे। ठीक है बट आप देखिए प्रोडिजी चाइल्ड में से थे क्या जो स्कूल ड्रॉप आउट किए और इट वाज ग्रेट। देखिए ऐसा था ना कि मैं यही खार बैंड्रा एरिया में ही पैदा हुआ हूँ जी और यही कहूंगा कि मैं ना आई वाज नेवर अ स्टूडियस पर्सन। ओके मैं कभी भी ऐसा मैं फिल्म का बड़ा शौक था जी और खार बैंड्रा वैसी फिल्मी है एरिया पूरा हाँ। तो बचपन में यहाँ शूटिंग देखने का बड़ा शौक था। अरे हर पिक्चर की शूटिंग यही बाजू में आपके गली के पीछे एक होटल ओरिएंटल पैलेस अभी भी है। ओके तो उसका एक बैंक्वेट हॉल होता था तो वहां पे ना कहीं फिल्म की शूटिंग होती थी। अच्छा तो मैं बचपन में घुस जाता था वहां पे तो वहां पे माने अमित जी धर्मेंद्र धर्म जी मिथुन चक्रवर्ती ये सब शूटिंग मैंने देखी यहाँ पे नीचे। तो मुझे फिल्म का बड़ा शौक था इधर हर जगह में एरिया में मुझे इतने यहाँ पे एरिया में शूटिंग होती थी कार्टर रोड बोलो बैंड स्टैंड बोलो बोलो तो पिक्चर की शूटिंग देखना बड़ा शौक था। आई वॉज नेवर अ वेरी स्टूडियस जैसे कहते ना जी जी तो मैं पिक्चर देखने का बहुत शौक था। गेटी गैलेक्सी जो है लेफ्ट लेने हाँ लेफ्ट लीजिए हाँ गेटी गैलेक्सी है वहाँ पे मैं बहुत सारी पिक्चरें मुझे मैंने देखी वहाँ पे हाँ। तो मैं बहुत ही मैं बताऊँ सिद्धार्थ बहुत ही मीडियोकर स्टूडेंट था कभी पढ़ाई में मुझे ध्यान दिया नहीं। मेरे घर वाले परेशान होते थे कि ये पढ़ाई करता नहीं पूरा टाइम फिल्मों की बात करता है एक्टिंग करना मिमिक्री करना लोगों की आवाज निकालना। अरे वाह ये सब मैं बहुत ही करता हूँ अभी भी करता हूँ कभी कभी। किसकी किसकी बताओ भाई बहुत सब की है यार। आपको मन किया था आप कर सकते हो थोड़ी सी कर देंगे लेकिन ये सब चीजें मैंने बहुत बचपन में की है। और एक सिचुएशन ऐसा आया कि परिस्थिति बहुत खराब थी घर की। अच्छा और मैं जैसे कहते ना कि गरीबी की रेखा से बहुत ही नीचे स्तर पे मैं स्ट्रगल कर रहा था घर में। क्या बात तो, कर हाँ, तो डैडी को बहुत लॉस हुआ बिजनेस में दैट वाज अ वेरी सेटबैक हो गया था जी, तो उसके बाद मैं पढ़ाई में फेल हो गया। अरे और मैं अपने पिताजी की लॉस की वजह से फेल नहीं हुआ आप खुद ही फेल हो गया क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना ये था। एंड देन यू नो सिद्धार्थ मैंने वीडियो कैसेट का व्यवसाय शुरू किया। मैं घर घर में जाके वीडियो कैसेट देता था। आप खुद जाते थे? हाँ हाँ खुद जाता था। ये मैं तकरीबन 3.5 से 4 साल मैंने किया ये। मेरे को लगा आप वो ऐसा अपना कैसेट लाइब्रेरी नहीं नहीं कैसेट लाइब्रेरी में काम किया स्टार्टिंग में जी 2-3 महीने ठीक है 2-3 महीने के बाद फिर मेरे पास खुद की कैसेट्स मैंने लेना शुरू किया खुद का। तो खुद का मैंने व्यवसाय शुरू किया के जाके वीडियो कैसेट देना घर घर में। अरे वाह ये पूरी एरिया में जो है खार बैंड्रा पाली हिल से लेकर आपके जूहू से लेकर लोखंड वाला जब कुछ नहीं था वहाँ पूरे मैंग्रोव हुआ करते थे जंगल होता था। तो मैं जब छोटा बच्चे स्कूल में जाते थे 7th-8th में तो मैं वीडियो कैसेट का व्यवसाय शुरू किया मैंने। और मुझे पिक्चर देखने का इतना शौक था कि मैं पिक्चर भी देखता था और वो बिजनेस भी करता था। तो यहाँ से मेरी एक जर्नी शुरू हुई और मुझे लगा कि मैं फिल्म लाइन में आ सकता हूँ जी। और मुझे डायरेक्टर बनने का शौक था लेकिन बहुत हंसते थे मेरे से बोला यार तू तो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है तू तो स्कूल ड्रॉप आउट है कहाँ से तू बनेगा फिल्म मेकर कैसे बनेगा। और मैंने पढ़ाई नहीं की सीधा लेकिन मुझे ना पढ़ने का बहुत शौक था किताबें
उस टाइम पे भी मैंने रीडर डाइजेस्ट हो गया जी जी, जी, जी। तुम्हारा जितनी मैगजीन होती थी ये तमाम जैसे अमर चित्रा का था टारगेट इस तरह की होती थी किताबें वो सब पढ़ता था मैं क्या बात और फिल्म फेयर भी पढ़ता था स्टार्टस भी पढ़ता था गॉसिप भी पढ़ता था क्या हो रहा है किसकी लाइफ में वो पूरा पढ़ता था मुझे याद है रद्दी वाली दुकान जैसी होती थी वहां पे जाके मैं 1 रुपया 2 रुपये में से ऐसी चार चार मिलती थी चार आनी की एक होती थी उस वक्त पे तो दे देते थे तो बुरा नहीं हो जाती थी तो एन्यूल होता था स्टार्टस मुझे मोटा हाँ। तो वो बहुत महंगी होती थी वो 1 रुपए में या 2 रुपए में उसका कवर भी आया फैंसी आता था फैंसी आता हाँ। था सो वो सब जर्नी देख चुका हूँ और उसके बाद वीडियो कैसेट्स में तो आई बिकेम लाइक अ वेरी प्रो कि मैं मुझे आज भी जैसे अभी तो गूगल आ गया है सिद्धार्थ जब गूगल नहीं था तो मैं आई एम लाइक वॉकिंग इनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदी सिनेमा क्या बात कर रहा हूँ कि कौन सी पिक्चर कौन से साल में 90% आई कैन आंसर यू कौन से साल में लगी कौन सा वो था वक्त था क्या था तो मैं क्योंकि मैंने फिल्में ही देखी है बस दैट्स योर एजुकेशन मैंने मेरा एजुकेशन ही फिल्म रहा है तो मैं हर पिक्चर कौन से डायरेक्टर की पिक्चर जब लोग मेरे उम्र के बच्चे से पिक्चर देख के भूल जाते थे जी जी मैं ना पिक्चर देखता था यार इसमें ट्रॉली कैसी चलाई है क्रेन कैसी चलाई है ये डायरेक्टर में कौन सी पिक्चर और बनाई है ये सब उसमें गूगल तो नहीं होता था लेकिन मैं हर डायरेक्टर का भी सिर्फ नोटिंग करता था तो वहां से मुझे लगा कि मैं फिल्म मेकर बनूंगा और मैं फिल्म मेकर ही बनना चाहता था हालांकि कई लोगों ने मुझे कहा कि यार तुम एक्टिंग कर लो तुम वन लाइनर तुम्हारे कमाल है मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल है दिख रहा है वो मैं तो मजे ले रहा हूँ तो लोग कहते थे यार कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तुम कॉमेडी कर लो एक्टिंग क्यों नहीं कर लेते हो पर्सनालिटी अच्छी तुम्हारी हाँ। लेकिन आई वाज अ वेरी बैड एक्टर बहुत ही वाहियात एक्टर था क्या ट्राई किया ना हाँ तो बहुत ही वाहियात एक्टर था तो मैंने वीडियो कैसेट्स में ही मैं ज्यादा इन्वॉल्व होता था जी और मैंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बहुत वीडियो कैसेट्स दिए तमाम वीडियो कैसेट्स वालों को अंदर से राइट ले सकते हैं आप ठीक है क्या बात कर रहे हो मतलब किसके घर की बात मैं हर मैं बताता हूँ मैंने राज बब्बर जी को दिया है हाँ क्या? पद्मिनी कोल्हापुरी जी को और बहुत अकबर खान मिठुन चक्रवर्ती और तो ये लोग आपको पहचानते रहे कुछ नहीं, 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 इनके साथ दो ही लोग पहचानते मुझे हाँ। एक मिथुन चक्रवर्ती हाँ। और एक सुभाष घई जी है जो मुझे पता है उनको पता है ये वही लड़का है जो हमारे घर में आता था कि यही मधुर है जो हमारे घर में छोटा होता आता था हाँ। मैं मिथुन का बड़ा फैन था हाँ। तो मैं वैसे ही मुझे मिथुन दा बहुत पसंद थे और मैं वीडियो कैसेट उनके घर में देता था तो योगिता बाली जी उनकी वाइफ पिंकी दीदी हम वी यूज्ड टू सी हर तो शी वाज वेरी नाइस बहुत ही अच्छी तरह से तो मिथुन की हर पिक्चर देखता था मैं और मैंने तो ऐसी पिक्चर देखी गेटी गैलेक्सी में ये बाजू वाली गली में कि 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 फिर उन तीनों में से कोई अच्छी लगी उसको रिपीट में बढ़ गए सुपर तो ऐसे मुझे अभी भी मनोज देसाई जी जो है हाँ। वो मेरे बहुत ही बचपन से मुझे जानते हैं अरे वाह तो मुझे 1978 में डॉन की टिकट भी उन्होंने दी थी अमिताभ बच्चन वाली जो डॉन लगी थी ना पैक शो मिली नहीं रही थी किसी को हाँ। किसी को नहीं मिली थी मैं छोटा था तो मैं गया अंकल अंकल टिकट तो आज भी वो ही इज वेरी हैप्पी वेरी प्राउड वो तो बोलता है तेरा कॉलेज गेटी गैलेक्सी है तूने जो पढ़ाई की यही की है हालांकि कॉलेज में भी मैं आई मेट फ्रेंड्स एंड मैं कॉलेज में भी एंजॉय किया चार पांच साल में कॉलेज पढ़ा नहीं बट मैं नेशनल एमएमके में जाके इतना धमाल मस्ती किया फ्रेंड्स बनाए वहां पे अभी मेरे दोस्त है बहुत लोग को ऐसी ऐसी फीलिंग है कि मैं कॉलेज पढ़ता था बोल के उन लोग को ऐसा लगता था आप हैं इधर मैं कॉलेज में हूँ तो मैं जाके वहां पे बैठना मस्ती करना कैंटीन में मैं तो ऐसे वेलागिरी करता था हाँ। ये पोस्ट वीडियो कैसेट का बिजनेस तब ठंडा हो गया था उसके बाद मेरे पास ऐसा टाइम था मैं कुछ समझ में रहता एक ऐसा टाइम आता ना दौर में जब आपको यंगस्टर्स में समझ में रहता मैं क्या करूँ लाइफ में क्योंकि ना मेरे पास टेक्निकल स्किल था ना मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री थी ना मेरे पास ना मेरे मम्मी डैडी के पास पैसे थे कि मैं कुछ कैपिटल है कि मैं बिजनेस करूँ तो मेरा एक ही काम था कि मैं आगे क्या करूं तो वो टाइम जो था 3-4 साल में वेलागिरी करता था तो दोस्त लोग इस मेरा ख्याल रख लेते थे मेरे पास वीडियो कैसेट का थोड़ा पैसा पड़ा था तो उसके साथ मैं अपना गुजारा करने का आई हैड रिच फ्रेंड्स तो वो कभी कैंटीन में खाना खिला रहे इडली सांभर खिला रहे कभी घुमा रहे कभी लोनावला जा रहे कभी ये जा रहे तो बहुत लोगों को ऐसी फीलिंग आती थी कि ये मधुर जो है ये कॉलेज में है और फिल्म का नॉलेज था जैसे गाना भी गाता था मैं गाना मैंने से शौकिया तौर पर जी 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 तो ये सब मजा ये सब चीजें मैंने की तो बहुत अच्छा लगता था मुझे ट्रैफिक सिग्नल पे उसी दौरान सिग्नल पे आप ये यहाँ पे अपना पेडर रोड पे और ये अपना ये मेट्रो के सामने फ्रेशन अप चिंगम होता था फ्रेशन अप वो मैं मेरा दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड थी जो हम लोग बेचते थे ऐसे दरवाजे पे नॉक करते थे कि एक चुंगम लो तो
एक चिंगम फ्री, ऐसा होता ना, वन फॉर, हाँ, एक के बाद एक फ्री। तो वो मैंने वो चिंगम बेचना शुरू किया वहाँ पे। वो हम लोग कैंटीन में भी बेचे, वो हम लोग केसी कॉलेज में, सिडनम कॉलेज में, जयहिंद कॉलेज में, वो पूरा मतलब आप एक सर्किट पकड़ लेते थे गली गली, दोनों गली में। हाँ, तो ये वीडियो कैसेट के बाद हुआ। वीडियो कैसेट का तो क्या, वीडियो कैसेट बाद में पड़ा था मेरे 500-600, उस पर पूरे फंगस लग गए, पूरा खत्म हो गया। थैंक्स टू मुंबई इज वेदर, जो भी है। तो वो उसको तो मैंने किलो के भाव में बेचा, बोलते ना कैसेट्स, किलो के भाव में, चलो ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, उठा ले, जैसे आता ना जो टपड़ी वाला, उसको उठा के दे दिया। मैं पिक्चर देखते देखते बोलता हूँ क्या ट्रैक किया है यार। हाँ, वो देख 70 फुट का क्रेन लगाया लगता है इधर। हाँ, ये सब बकचोदी मैंने बहुत की अपने परिवार वालों के साथ। वो लोग मेरे को एक टाइम के बाद बोलने लग गए थे तेरे साथ पिक्चर देखा मजा नहीं आता। मेरा भी यही होता था, क्या शॉट है यार, कमाल शॉट है, हाई स्पीड शॉट है। अच्छा, मेरे को घर वाले बोले हाई स्पीड, अच्छा उनको स्लो मोशन को हम लोग हाई स्पीड बोलते समझ में नहीं आता, बोलता वो तो इतना स्लो चल रहा है तो हाई स्पीड कैसे हो गया। बोला वो तो इतना स्लो मोशन में चल रहा है, हाई स्पीड कैसे हो गया। उनको लगा हाई स्पीड में तो भाग रहा कोई, इंग्लिश का ऐसा वर्जन हाई स्पीड में भागा हो, करेक्ट, तो किसी को नहीं समझ, उनको समझ में नहीं आता ये हाई स्पीड में आ रहा है। तो मैं बोलता नहीं नहीं यार स्लो मोशन अच्छा शॉट है, मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करता था। जैसे मैं बोलता था यार ये आउट फोकस शॉट हो गया, तो बोला फोकस शॉट हो गया क्या है, क्या व्हाट लैंग्वेज दिस इज, तो ये लोगों को समझ में नहीं आता। और ये बात मैं आपको बताओ, मैंने ना जब मैं वीडियो कैसेट में भी देखता था तब भी ना मैं वीडियो कैसेट में बोलता था यार ये शॉट आउट फोकस है, ये शॉट ऐसा है, तो उन लोग बोलते थे ये आउट फोकस क्या होता है, बराबर तो दिख रहा है, उनको समझ में नहीं आता था। जी जी, हाउ डिड यू गेट दैट गिग कि आप आरजीवी को असिस्ट कर पाए, ये भी कैसे हुआ? नहीं, आरजीवी को मैंने यहाँ पे जब मैं छोटा-छोटा आई वाज डूइंग स्मॉल वर्क हो या ऑड जॉब्स करता था सेट पे, और एक पॉइंट आया तो जब मैं वन ऑफ माय रिलेटिव जो जानते थे आरजीवी को, उन्होंने मेरी भी बोला कि मधु तुम जाओ उधर, ही इज लुकिंग, ही इज मेकिंग अ मूवी, रात बना रहे थे, कौन सी फिल्म, रात रात रेती वाली। हाँ, हाँ। तो मेरे को बोला कि आप तुम जाओ वहाँ पे, तुम ही विल बी ही वांट्स अ गाय हु नोज हिंदी एंड बॉम्बे का। तो मैं चला गया एंड मैं और राम गोपाल वर्मा लाइक अच्छी तरह मिले, बातचीत किए एंड पूरा मैंने उनको ब्रीफ दिया, तो ही सेड ओके कम टू हैदराबाद। और मैं हैदराबाद गया, कौन सा साल की बात है, दिस वाज एग्जैक्टली 91 गुलशन ग्रोवर का। तो फिर मुझे जैकी दादा ने, रामू जी ने बोला तू ही कर ले ये रोल यार, तू ही असिस्टेंट है, तू ही कर ले। हाँ, हाँ। और मैं बहुत रिलक्टेंट था, मैं बोला नहीं यार मैं काम है, बोला नहीं नहीं और इतना मैं क्या बताऊँ, इतना बेकार एक्टिंग की मैंने। और मैं फिर गुलशन गोरे बोला बेटा कर ले मेरी जान, क्या कर रहा है तू, चल मैं बोल रहा हूँ। हाँ। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है यार, बेस्ट तो है। मैंने कर लिया वो कैमियो, और तो प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है, सिद्धार्थ मैंने वो कर तो लिया, लेकिन वो पहले फर्स्ट शेड्यूल की शूटिंग थी। हाँ, हाँ। और जब मुंबई आया तो जब जहाँ गुलशन ग्रोवर था मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। अरे बाप रे, तो हमेशा कंटिन्यू में फंस गया मैं, हमेशा किताब लेके खड़ा हूँ, क्लैप लेके खड़ा हूँ, तो जहाँ जहाँ गुलशन ग्रोवर है मैं थ्रू आउट पिक्चर में था। और फिर मैंने अपना खुद का स्ट्रगल शुरू किया, मेरे को इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बनना था जी। और देन आई मेट लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स उस टाइम पे, तो प्रोड्यूसर ने बोला कमर्शियल फिल्म बना नहीं हमको भैया, हमको ये तुम बहुत ना, मेरे को किसी ने बोला तुम बहुत श्याम बेनेगल और गोविंद नलानी जैसे सोचते हो, आर्टिस्ट सोचते हो, वी वांट टू मेक कमर्शियल सिनेमा। तो मैंने एक प्रोड्यूसर को बोला सर इसमें बहुत कमाल का स्क्रिप्ट है मेरे पास, इसमें मैसेज भी है। हाँ। तो बोला मैसेज है, तुम्हारा मैसेज क्या है दे दो मुझे, मैं व्हाट्सएप नहीं करता हूँ, मैं एसएमएस करता हूँ। क्या मैसेज है तुम्हारा, कितने तुम्हारे 200 के 200 300 400 500 1000 1000 रुपए का, मैं एक रुपया एक एसएमएस को लगता है, मैं वोट कर दूंगा लेकिन मैं 3-3.5 crore की फिल्म नहीं बनाऊंगा। तो मैंने बोला ये तो सही बात बोल रहा हो, बोलता क्या मैसेज होना है, मैसेज ये से मैसेज ओरिएंटेड हमारे को फिल्म मत बोलो तुम बनाने की है, क्योंकि उस वक्त का दौर ही ऐसा था। जी सही बात, वांटेड टू मेक कमर्शियल सिनेमा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा है ना भैया, फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा कहता हूँ ना इक्वेशन फ्राइडे टू फ्राइडे चेंज होते हैं। हाँ। तो यहाँ पे चढ़ते सूरज को सलाम है, और प्लस यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो फिर लोगों ने मुझे कहा देखो भैया तुम ना बहुत इंटेलिजेंट सोचते हो, ये सब नहीं चलेगा, आपको कमर्शियल फिल्म बनानी है। अब करता क्या ना मरता वाली बात है, बेगर्स कैन बी चूज़र्स जैसे कहते हैं ना जी। और फिर मैंने आई डिड दिस क्या, मैंने फिर एक आइडिया प्रोड्यूसर को सुनाया। हाँ। त्रिशक्ति का वो आइडिया बहुत अच्छा लगा उसको,
चलो यार ये बना देते पिक्चर अबाउट थ्री गाइज एंड हाउ फाइट्स द अंडरवर्ल्ड, एंड अंडरवर्ल्ड उनको यूज कैसा करती है एंड पुलिस कैसा यूज करती है, एक कॉन्फ्लिक्ट कमर्शियल. तो दे लाइक्ड इट. फिर हमने अरशद वारसी, शरद कपूर, मिलिंद गुना जी को सुनाया, दे ऑल्सो लाइक्ड इट. तो वो डेब्यू फिल्म का मेरा ब्रेक हो गया. तो मैं बट 3 साल लगे त्रिशक्ति. हाँ, 2.5 से 3 साल लगे बनने को, बिकॉज प्रोड्यूसर्स में फंड्स का था, ये था, नहीं सब था. और द अनफॉर्चुनेट थिंग क्या है, जब ये पिक्चरें बन रही थी, बाकी मेरे एक्टर्स की पिक्चर बॉक्स ऑफिस से बहुत असफल रही, तो वो भी लोड गिरा पिक्चर पे. तो टाइम बनते 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 वो 2.5-3 साल के बाद पिक्चर रिलीज हुई. तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे पता था कि पिक्चर का होना होना कुछ नहीं है, बट स्टिल इन माई माइंड आई सेड कम से कम आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी पिक्चर रिलीज तो हुई है जी. त्रिशक्ति नहीं चली और मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया. और मुझे लगा मैं भी क्या करूँ, करियर मेरा तो वैसे ही फोन उठाता नहीं था कोई, अभी तो कोई नहीं उठा रहा है. पहले फिर भी थोड़ी इज्जत थी कि राम गोपाल वर्मा का एसोसिएट हो गया, अब तो मुट्ठी खुल गई. अब तो जो देखने वाले भी ऐसा ऐसा कर लेते थे कि कौन है भाई. तो बहुत उस वक्त पे वो जो ह्यूमिलेशन मैंने झेला ना, बहुत ही वाहियात था मेरे लिए. टू स्ट्रगल टू गेट इट अगेन, कोई बुलाता नहीं था, वैसे भी कोई बुलाता नहीं था. और मैं पार्टियों में किसी छोटी मोटी सेक्रेटरी को पकड़ लेता था, भैया तो को पार्टी में जा रहा तो मेरे को लेके चलना, क्योंकि मेरे पास तो कोई जरिया नहीं था ना, मैं कहाँ पे जाऊँ लोगों से मिलना है इंटरेक्शन के लिए. तो कोई ऑफिस में ऐसा खड़ा भी नहीं करता था मेरे को. देखो जिसके हम लोग कहते मुंबई या भाषा में फील्डिंग का करेगा, फील्डिंग लगाया कि नहीं, फील्डिंग तो फील्डिंग करने के लिए जाता था वहाँ पे. तो सब मिलते थे और कोई देख के बोलते हो योर फिल्म फ्लॉप्ड वेरी बैडली, व्हाट शिट फिल्म यू मेड, ऐसा ही बोलते थे कि बहुत वाहियात फिल्म बनाई तुमने. ऐसा देखता भी नहीं था, जैसे बोलते ना कोई बीमारी है, पनौती है, हट. तो ये बहुत इलिट्रेट होता है हमेशा. और एक्टर्स तो कमाल होते थे. एक्टर्स को जैसे अभी एक्टर समझो किसी से बात कर रहा है, ये कमाल आपके सामने शेयर करूंगा कि अभी मैं आ रहा हूँ सामने से और एक्टर को लग रहा है मैं उसके सामने आ रहा हूँ, तो वो एनिमेटेडली वो दूसरे से बात करता था. और क्या चल रहा है भाई, सब ठीक है ना, ये चल रहा है भाई, ये तो तो ये मुझे पता है आप एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो. तो जैसे मैं आता था, अरे क्या ठीक है ना, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, देखो कि आपको, तो मैं समझ गया कि ये मेरे को अवॉइड करने के लिए इसने कॉन्वर्सेशन को एक डॉज किया. और हाँ मिलते मिलते तो मैं बोला हाँ, क्यों ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं करोड़ों की बात हो रही है इनकी तो मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ. लेकिन मुझे एक चीज ना सीधा उस फिल्म ने ना, मैं कहता हूँ कभी कभी इंग्लिश में कहावत है कि जैसे ना समटाइम फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, इज द बिगेस्ट लर्निंग. सो मुझे ना वो फिल्म ने इतना दिखा दिया इंडस्ट्री को क्लोज प्रॉक्सिमिटी से कि किस तरह का इंडस्ट्री है यार, कि आपके सक्सेस है तो सब कुछ है, नहीं तो आप कुछ नहीं हो. ये आपकी इंडस्ट्री 24/7 नेविगेट करती है सक्सेस पे जी, तो उसके हिसाब से ही आपका पलड़ा इधर या उधर गिरता है. बट दैट मेड मी अ पर्सन वेरी स्ट्रॉन्ग. ह्यूमिलेशन से जितना मुझे ह्यूमिलेट किया, मैंने इतने जगह मुझे कोई फोन उठाता नहीं था, मेरा बातचीत नहीं करता था. और एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे मेरे को दोस्त मिला जो नॉन फिल्मी था, वो बोला कि मधुर यार मेरे को बार में जाने गए और मैं वहां से उसके साथ वो बार में चला गया. मेरे को मालूम था लेडीज बियर बार है, गर्मी थी तो बोला बियर पीते कि मैंने चलो ठीक है. और वो लेडीज बियर बार में लेके गया, तो मैं बड़ा ही यार, मैंने बोला ये साला कहाँ लेके आया तू मेरे को यार, कि कल्चर शॉक. हाँ मैं बोला, और लड़कियां डांस कर रही है, मुंगड़ा मुंगड़ा गाना चल रहा है, जब छाए मेरा जादू चल रहा है. मैंने बोला यार ये कहाँ लेके आया. अच्छा मेरे को शर्म इस बात की आए कि मुझे लगा कि यार कोई देखेगा तो बोलेगा देखो साले पिक्चर फ्लॉप हो गई तो ये भेड़ा बन गया इधर. हाँ ऐसा होता था, ऐसा होता ना कि यार देखो शराबी बन गया, ये तो साला आजकल दारू पीना शुरू कर दिया फ्रस्ट्रेशन में इन लोग ने. तो मैं बड़ा ऐसा 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 हाथ रख के मैं बैठा रहता था. तो मैंने बोला यार कहाँ लेके आया. तो लेकिन एनी वे वो था कांचा बार टाइप जगह थी, नहीं मिड लेवल बार जैसे कहते हैं ना, मिड लेवल बार थी. और लेकिन वहां से, लेकिन वो जो रात मेरे को लिखे गया बार में ना, उसके बाद मुझे वहां से इंस्पिरेशन मिला कि मुझे चांदनी वर्ल्ड पे फिल्म बनानी चाहिए. और मैंने चांदनी बार जो है वहां से मैंने आइडिया लगा, फिर उसके मैंने रिसर्च किया, लोगों से मिला, तकरीबन 50-60 बार घुमा. वो जो जर्नी थी वहां से मैंने इतना, मेरे में एक चीज है ना, मेरे में ना मैं ग्रास्पिंग बहुत अच्छा है जी, मैं ऑब्जर्व बहुत करता लोगों को, बॉडी लैंग्वेज किस तरह से बात करता है क्या है. मेरे में एक वो जर्नलिस्ट ठीक है जी. मैं अगर कुछ नहीं करता तो शायद फिल्म में जर्नलिस्ट भी बन सकता था मैं. हाँ ना, फिल्म जर्नलिस्ट तो बन ही सकता हूँ मैं 100%, क्योंकि मेरा नॉलेज ऑफ सिनेमा बहुत ही कमाल है दिख रहा है. तो मुझे लगा कि यार ये बेस्ट है.
तो मैं ऑब्जर्व बहुत करता था। तो अभी ट्यूसडे ट्यूसडे आप चल के सिद्धिविनायक तक जाते हो यहां से? हां, चल के सिद्धिविनायक जाता हूं मैं। तो खार से सिद्धिविनायक इजी 10 किलोमीटर होगा? नहीं नहीं, 7 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर है। हाँ। मैं बीच में रुक जाता हूं, बीच में काली माता का मंदिर होता है शिवाजी पार्क पे। ओके, वो वहां पे उसके बाजू में गणपति का मंदिर है। तो ये प्रथा है, कम से कम मैं 1994 से चल रहा हूँ ये। अरे वाह। तो कभी कभी चल के जाता हूँ, कभी कभी मैं गाड़ी में भी जाता हूँ। लेकिन इफ आई एम इन बॉम्बे आई सी के आई एम इन सिद्धिविनायक टेम्पल। वो चाहे मैं रात को दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के 10 बजे भी आओ, और वो ट्यूजडे का दिन है, तो मैं एयरपोर्ट से ही सीधा गाड़ी बोलूंगा चलो अपना शोफर को मंदिर जाना है। क्या मंदिर 12 बजे तक खुला रहता है, तो आई गो टू द टेम्पल। तो ये मेरा है, अगर सवेरे मेरी 10-11 बजे की फ्लाइट भी है सवेरे, तो मैं उठूंगा मंदिर जाऊंगा फिर एयरपोर्ट जाऊंगा। अरे वाह यार। तो मेरे ख्याल से ये आई बिलीव इन लॉट ऑफ सुपर पावर, एक भगवान हम कहते हैं जी, और जो मतलब मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में उनका बहुत बड़ा हाथ है। करेक्ट। तो एक जो है, क्योंकि मैं इतने लाइफ में एडवर्सिटी से गया हूँ, लाइफ में स्ट्रगल किया हूँ लाइफ में, तो मैं ऑलवेज आई एम अ फाइटर एंड आई लव टू बी लाइक दैट, कि यू नो स्ट्रगल करो, अपने हिसाब से फिल्म बनाओ। मैंने जितनी फिल्में बनाई, इंडिया लॉकडाउन की तुम बात कर रहे हो कि ये मेरी 15वीं फिल्म है अगर थ्री शक्ति, और मैंने ना सिद्धार्थ मैंने सब ओरिजिनल फिल्म बनाई है। मैंने कभी भी कोई कॉपी नहीं की है, मैंने कभी भी कोई रीमेक नहीं किया है, मैंने कभी साउथ का रीमेक नहीं किया, ना कोई इंग्लिश पिक्चर को मैंने कॉपी किया। मैंने हमेशा ही उसको रिसर्च किया है, लोगों से मिला हो, और उसको अपने हिसाब से फिल्म में मैंने डाला है। तो ये मुझे हमेशा खुशी रहती है कि जहाँ लोग आज रीमेक करते हैं, कॉपी करते हैं, या वो लोग उसको एडाप्ट करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा अपने टाइप का ही सिनेमा बनाया है। क्या बात है। देखिए, एरिया की कहानियाँ हमारी रह रही हैं, ये हम स्टैनिस्लॉस नहीं, तो हम लोग कार्टर बैंडस्टैंड से निकल के कार्टर रोड की तरफ जा रहे हैं। ये गलियों में मैं अभी भी घूमता हूँ, मैं साइकिलिंग का बहुत शौक है मुझे। हाँ जी। तो ये शाम को मैं आपको कभी कभी यहाँ दिखाई दूंगा, कभी भी साइकिल करता हूँ मैं। अरे वाह यार। तो अभी पेंडेमिक में भी तो बहुत किया मैंने साइकिलिंग। हाँ जी। बहुत किया। ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, नॉस्टैल्जिक है मेरे लिए। रोमांस रोमांस की कहानियां नहीं है आपकी? वो अलग, किसी उसके लिए अलग एपिसोड। ये देखिए सुबह रास्ता निकले हैं मदर भाई, ये जो हमें कंसील कर दी जा रही है बातें। बट ये भाई आपने कॉर्पोरेट के ऊपर, अब फिर भी आ गई है काफी सारी, बट लाइक फॉर मी दैट वाज द फर्स्ट टाइम समबडी पुट कॉर्पोरेट ऑन टू द 70mm फॉर मी। या कंप्लीटली। So and it was also introducing a bunch of new actors and like working with varied talent. Ensemble था वो। कॉर्पोरेट का उसमें ऐसा था ना, कॉर्पोरेट मेरी, मैं आपको बता दूं, मेरी फिल्मोग्राफी में मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है जी। उसका रीजन ये है क्योंकि एक वो फिल्म बहुत ही अलग थी, बहुत ही अहेड ऑफ टाइम थी 2006 में। करेक्ट। और मैंने वो फिल्म इतनी डिफिकल्ट थी क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऊपर से कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रहे हो, और ऊपर से मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितने, 2006 में जो पिक्चर लगी थी वो बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म थी, बिपाशा बोस की करियर की बेस्ट फिल्म थी वो, आज भी है वो जी। और मुझे याद है उस वक्त पे आई डोंट टेक नेम्स बट लॉट ऑफ बिग एंटरप्रेनर हिंदुस्तान के, बिजनेसमैन दिल्ली के, मेरे को जहां जहां मिलते थे उन्होंने बोला यार तुमने ऐसी फिल्म कैसे बनाई यार, इतनी रियल बनाई है। और मुझे कहा गया कि ऐसा लग रहा था कि तुमने हमारे कॉर्पोरेट हाउस में कैमरा रख के शूट किया है। मिरर किया है। हां एग्जैक्टली। ये मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिला है जी, देखिए ना गूजबम्स है मेरे यार। तो बोला कि इतनी रियल, क्योंकि उन्होंने बोला कि उसके इसके जार्गन्स, उसके जो अपने अपने पूरा जो स्टॉक मार्केट का जो अपने खेल दिखाया। करेक्ट। वो बोला कि इतना आपने कैसे निकाला, और फिर मेरे को बहुत लोगों ने पूछा कि तुमने अपना एमबीए कहाँ से किया है। मैंने बोला अरे भाई एमबीए कहाँ से किया, या फिर स्कूल ड्रॉप आउट हूँ, कहाँ से एमबीए करूंगा मैं। तो मुझे कोई भी कॉर्पोरेट वाला अंदर ही एंट्री नहीं देता था, बोला नहीं मधुर भंडारकर नहीं 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 नहीं, वो उन्होंने बहुत हमारे कपड़े फाड़े हैं पेस्ट्री में। तो मैं बोर्ड रूम में बहुत जाने की कोशिश की रहा था, पेस्ट्री में आपने सब दिखा दिया था ना। बहुत, दे गॉट वेरी अपसेट, दे सेड नो 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 नॉट मधुर भंडारकर, हम अपने बोर्ड रूम में चालू बोर्ड रूम में आने, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी ए लाइव बोर्ड रूम कैसे नो बात करते हैं। पेस्ट्री का तो सेकंड पार्ट बनाना मांगते हैं। ये है मेरे एजेंडे में, ऐसा नहीं कि नहीं है। कॉर्पोरेट भी, कॉर्पोरेट भी आज भी मुझे लोग कहते हैं मधुर इसका पार्ट टू बनाओ, बल्कि आज की तारीख में तो कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो हो गया। बहुत आई थिंक फिल्म ये आपकी, मेरे को याद है क्योंकि मैं इतनी मैगजीन्स पढ़ा करता था, आई थिंक नीतू चंद्रा गॉट किसी ने उनको एक्चुअली भीख दे दी थी। हाँ, ट्रैफिक सिग्नल के टाइम पे, ट्रैफिक सिग्नल के टाइम पे। अरे वाह। ट्रैफिक सिग्नल के टाइम भी मैंने बहुत लोगों से, नए लोग थे, हाँ जी, उनको मैंने बुलाया और आई कास्टेड फ्रॉम द रोड, पीपल फ्रॉम द रोड। तो ऐसा लग रहा था कि जितने लोग थे, जितने भी वहां पे थे,
यूनक्स थे, बेगस थे, जो वेंडर्स होते थे वहां बेचने ले, इनको बुला के मैंने इनसे काम निकाला। एक्चुअल कास्ट थे ये लोग, एक्चुअल में। अपने प्रतीक बब्बर को आपने देखा इंडिया लॉकडाउन में, तो वो भी वो मेरे को लोगों ने बोला या तो सोबो टाउन का डूड लगता है, वो इधर ही तो रहते हैं डाउन द रोड। तो बोला कि आप क्या करोगे, आप कैसे उसको काम निकालो, माइग्रेंट वर्कर कहाँ से लगेगा, मजदूर कैसे लगेगा। मैं बोला मैं काम निकालूंगा उससे। एंड आज जिन्होंने उसके लुक देखा या उसके उसका उसका टीजर देखा या ट्रेलर देख के जो लोगों ने प्रशंसा की है उसकी, जी कमाल है यार प्रतीक ने क्या काम किया। एंड आई एम टेलिंग यू दिस मूवी इंडिया लॉकडाउन इज अ गेम चेंजर फॉर हिम। Really? ये पिक्चर उसके लिए, श्वेता बासु के लिए, साई तमनकर के लिए मैं हूँ। जी जी। एंड चारों ने आहना कुबरा, दे हैव डन अ फैबुलस जॉब। मैंने जिस तरह प्रतीक बब्बर को मेरे ख्याल से इज वेरी अंडर एस्टिमेटेड एक्टर रहा है, वो अंडररेटेड रहा है, लेकिन दिस मूवी इंडिया लॉकडाउन विल गिव हिम दैट। मैं कहूंगा कि उसने, मैंने ये भी बोला उसको कि यू हैव गिवन ट्रिब्यूट टू योर मदर इन द फिल्म। मैंने जो जिसका मम्मी जो है स्मिता जी का जो किरदार होता था उनकी पिक्चर, कमाल का परफॉर्मेंस होता था। मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका परफॉर्मेंस अनबिलीवेबल था। तो मेरे ख्याल से मैंने प्रतीक को वही वहां पे इसको रखा कि मतलब तू उस तरह का परफॉर्मेंस देख, एंड दिस इज ट्रिब्यूट टू द मदर। एंड ही वाज वेरी हैप्पी एंड द वे ही परफॉर्मड वाज सुपर्बली गुड यार, सुपर्बली ही परफॉर्मड। ये हीरोइन आपको पता है आपकी ना फिल्मों ने मुझे बहुत इंपैक्ट किया। आई आल्सो बिलीव इन मेकिंग स्लाइस ऑफ लाइफ सिनेमा। मेरे लिए हीरोइन का पिच इज अ डिफिकल्ट पिच एज अ डायरेक्टर टू माय आर्टिस्ट, क्योंकि how does one tell the artist that you have to take this whole journey when you are also a hero in yourself? So like it's a big I think the way Kareena Kapoor ki career ki best picture hai wo, haan ji, aur mere khayal se isse achhi film uski ho nahi sakti hai। Heroine ek aisi picture us time pe bhi, is picture ko opening उस टाइम पे 2012 की बात करो, मैंने वीकेंड इसका 22 करोड़ हुआ था, जो बहुत बड़ी बात होती थी एक एक्ट्रेस की फिल्म के लिए। जी, ट्रैफिक सिग्नल के बाद आपके साथ ऐसा हुआ क्या कि आपको सिग्नल पे पब्लिक बोलती थी कुछ या पहचानती थी या बात करती थी? बहुत बहुत ट्रैफिक सिग्नल के बाद बहुत जन भड़क गए मेरे पे। क्या बात कर रहे हो? लोगों ने कहा आपने एक्सपोज कर दिया ना, बोला कि हाँ बोले स्ट्रॉबेरी कोई खरीदता नहीं है, हम उसको पैसा नहीं देता है। वो मोमेंट्री था, लेकिन लोगों ने बहुत ऐसा कहा कि यार तुमने हम पैसा नहीं दिया, ये नहीं देता है हमको, तुम्हारे वजह से दुकान हमारी दुकान बंद हो गई है। काफी लोग, मैं सिद्धिनायक भी जाते, बहुत बार मैंने पैसे देता था, मेरे पास होते थे, मैं जेब से निकाल के दे देता था। कई बार महालक्ष्मी सिग्नल पे, हाजेरी सिग्नल पे, ये बैंड्रा सिग्नल पे, कई बार मैं सिद्धिनायक चल के जाता था, वहां पे मेरे को मिल जाते थे लोग कि देखो सर आपके चक्कर में हम लोग को पैसे नहीं, एक्सपोज कर दिया ना, आपने सब दिखा दिया ना सच्ची। अरे देखो वो ठीक है, लेकिन वो फेस था, लेकिन देन अगेन दे आर बैक टू थिंग्स। एंड मैं आपको और एक ट्रिविया शेयर करूंगा। मुझे एक दिन मैं प्लेन में बैठा था, मैं ये 6-7 साल पहले की बात है जी, तो मुझे एक बिजनेसमैन मिले, व्यक्ति मिले, तो मैं दिल्ली से आ रहा था, तो मैं बैठा उनके बाजू में, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे को स्माइल दिया, तो मैंने भी स्माइल दिया बिजनेस क्लास में। तो मुझे लगा शायद मैं अभी मुझे पहचान जाते तो लोग स्माइल दे देते, तो मैं भी हंसा। एंड तो उन्होंने कहा कि यू आर मिस्टर मधुर भंडारकर ना, तो मिला या सर हेलो, तो बोला लवली मीटिंग यार। वो प्लेन स्टार्ट हुई तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आई हैव टू टेल यू समथिंग एंड आई हैव टू थैंक यू फॉर समथिंग। तो फिर मैंने बोला थैंक यू फॉर व्हाट, हैव वी मेट यू अर्ली कभी? मैं बोलता नो नो दिस वी नेवर मेट, आई एम मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई डोंट स्टे हियर, आई स्टे इन यूएस। ओके, तो मैंने ओ ओके ओके, बोलता आई एम इन अ बिजनेस, आई केम फॉर अ बिजनेस विजिट फॉर 3 डेज। सो तो मैंने बोला व्हाई यू वांट टू से थैंक्स टू मी? तो बोला देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। तो मैंने टेल मी द स्टोरी। सो ही सेड कि आज से 2-3 साल पहले माय डॉटर 19, वेरी प्रीटी लुकिंग गर्ल, या and she is doing doctor, डॉक्टरी सीख रही थी वो, मेडिकल। जी जी। तो she said one day कि पापा आई वांट टू बिकम एक्ट्रेस। ओह। एंड she said कि मुझे बॉलीवुड जाना है, मैं मुंबई जा रही हूँ। एंड she did a पोर्टफोलियो वर्क है। ओके। एंड she said मुझे बॉम्बे जाना ही है, मेरे को हीरोइन बनना है, मॉडलिंग करनी है, ऑल दिस थिंग्स जो होता है एक टीन्स का होता है। जी। तो बोलता है मैं बड़ा रिलेक्टेंट था, मेरी वाइफ भी रिलेक्टेंट थी, यार ये क्या करेगी वहाँ बॉम्बे जाके। वी आर नॉट अगेंस्ट हर टू गो इन टू ग्लैमर वर्ल्ड, लेकिन वी स्टे इन यूएस, वी आर डूइंग सो गुड फॉर अवर सेल्फ, वी हैव अ ह्यूज मेंशन ओवर देयर, बंगले वंगले सब है हमारे पास, ये कहाँ जाएगी, बॉम्बे में कहाँ रहेगी वो। सो वी आर वेरी वरीड अबाउट इट। और बोला कि मधुर आई हैव टू टेल यू दिस, आई सेड बिकॉज व्हेन योर मूवी वर रिलीज शी वॉज वेरी स्मॉल एंड आई कुडंट शो हर फिल्म्स, योर हीरोइन एंड फैशन, तो मतलब मैंने उसको दोनों की डीवीडी दी पिक्चर देखने के लिए। कमाल है।
उसने बोला मैंने फैशन में हीरोइन की डीवीडी दी और उसने पिक्चर देखा दोनों, वो पिक्चर देखने के बाद तो दंग हो गई, मैंने इतनी रियलिटी तुमने दिखाई है, तो बोलते शी चेंज हर माइंड ओह डैम एंड दैट इज द रीजन आई वांट टू से थैंक्स टू यू बिकॉज दैट मूवी इज सेइंग पापा आई डोंट वांट टू गो आई विल स्टडी माय मेडिकल ओनली तो देखो आई गॉट गूज़बम्प्स तो आई थिंक ये सिद्धार्थ कितनी कमाल की चीज है impact. कि कहीं ना कहीं जाके आपको इम्पैक्ट करती है. मुझे याद है पेज 3 के बाद लोगों ने पेज 3 पार्टी में जाना बंद कर दिया था. हाँ ना? कि बोला यार इतना हम लोग को शर्म आता है पेज 3 पार्टी में जाने के लिए, खास करके मैंने वो फ्यूनरल सीन जो था जी, उसमें जो लोग देखते थे, लोग कहते थे यार ये कैसा है, कोई व्यक्ति वहां पे गुजरा हुआ है, ये लोग बोल रहे हैं कल पार्टी में क्या पहनेंगे, परसों कहाँ जाना है, वो क्या करेगी, ये क्या करेगी, टीवी में मेरे को देखो मैं आ रही हूँ कि नहीं. तो ये जो चीजें थी ये हकीकत है, मैंने देखा है. सही बोले. ये मैंने देखा है. बहुत ही पीपल गॉट अपसेट विद मी. मैं अभी भी हॉस्पिटल में चले जाता हूँ तो मैं बीच में लीलावती गया तो मेरे को डॉक्टर्स वाले नीचे मिले. हाँ. मैं तो ऑब्जर्व करता था, मेरे दोस्त के डैडी को मैं देखने गया था, तो वो दवा लाने गया था कुछ, वो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा था, तो मैं नीचे से घूम रहा था, मेरी आदत है मैं तो ऑब्जर्व कर रहा था. तो नीचे डॉक्टर मेरे पास आए, भद्रू जी आप क्या इस पे फिल्म बना रहे हो क्या? अरे मेरा नहीं भाई, मैं फिल्म नहीं बना रहा हूँ. तो बोलता नहीं बनाई ना. अरे मैंने नहीं भाई, मेरे को मेरा इलाज कराना. सही बात है. मुझे नहीं फिल्म करनी है. देखो हम एंकर्स पे फिल्म बनानी है तो बताओ आप, फिर अपन मुलाकात करेंगे अलग वाली. मुंबई की हमारी बातें बड़ी होती हैं शो पे, तो मुंबई के आपके फेवरेट खाने कौन से भाई? मुंबई में यार मैं वड़ा पाव मेरे को बहुत अच्छा लगता है. वाह. और क्योंकि बचपन से मैं खार बैंड्रा में रहा हूँ, ये पूरा लिंकिंग रोड, जहाँ हम लोग लिंकिंग रोड यहाँ शूटिंग बहुत होती थी एक जमाने में. हाँ. अर्जुन की पति पत्नी और वो की बहुत ऐसी पिक्चर होती थी, हाथ की सफाई यही हुई है सब. और मुझे भुर्जी पाव अच्छा लगता है. परफेक्ट. वो भी खाने को अच्छा लगता है मुझे. और खाना तो यार कुछ भी मेरे को बने. और मैं सिद्धिनगर जाता हूँ ना, वहां से आता हूँ सेना भवन के सामने एक अस्वाद बोल के एक रेस्टोरेंट. अरे अस्वाद तो बाप है भाई, बाप. तो वहां पे मैं बहुत खाता हूँ यार, कभी भी हम लोग दोपहर को भूख लगती. अच्छा अस्वाद जाता तो ऐसा है ना भाई कि पेट खाली रख के जाओ. हाँ, थाली खाओ, थाली खाओ या कुछ भी खाओ, मैंने इतना जलवा है, जलवा है. कमाल है. तो वहां पे मैं श्रीखंड पूरी, आलू पूरी, आमरस, सब जो जो उस वक्त पे सीजन पे चल रहा है. हाँ. खाने का बहुत शौक है बॉस. हाँ. खाने का तो अपनों को एक सेशन करना चाहिए खाने पे. सिर्फ करते ना खाने पे सेशन करना चाहिए, क्योंकि खाने का मुझे बहुत शौक है, बिकॉज आई एम वेरी फूडी. जी जी. और कहाँ कहाँ का खाना पसंद है बताओ? और हैदराबाद, हैदराबाद का, हैदराबाद खाना मेरे को हैदराबाद में एक्चुअली रसम बहुत अच्छा लगता है. रसम चावल और सांभर, हा हा हा, किलर है. मैंने मेरे लिए तो मेरे को अलग से कप में ही दे दो. वही है. मैं तो बनाना लीव में भी जाता हूँ. हाँ. बनाना लीव में भी यहाँ पे, लेकिन वहाँ का हैदराबाद का अलग ही है. चेन्नई जी, सवर्ण भवन, करेक्ट. वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लगता खाना. मैं खाता ऐसा वहाँ भी भूखा रहता हूँ, नाश्ता स्किप. अगर मैं चेन्नई पहुंचा सवेरे तो नाश्ता स्किप होगा मेरा. वाँ और सीधा 2:30 बजे सीधा सवर्ण भवन में जाऊंगा और वो ऐसा आराम से उसमें तेल डाल के घी खाएंगे. परफेक्ट. पूरा जो खाना है जबरदस्त. वहां पर हमारे हैदराबाद और चेन्नई में चावल भी सलीके खाना तो सवाल ही पता नहीं. मैं दिल्ली में भी बहुत खाता हूँ. हाँ ना, दिल्ली में भी बंगाली मार्केट चला जाता हूँ. अरे वाह. तो जलवा वहाँ पे भी. अभी मैं जाके आया दुर्गा पूजा के टाइम पे. अरे बंगाली मार्केट में मैं चला जाता हूँ, वहाँ पे तो पुचका से लेके सब पुचका से लेकर बादाम मिल्क. सवाल ही पैदा नहीं, बहुत जरूरी है. मुझे चाइनीज का भी बहुत शौक है. नूडल्स वूडल्स बहुत खाता हूँ मैं. किधर का भी, कोई भी अच्छा मेरे को समझ में. मैं तो ऐसा कोई नहीं है, और मैं रेडी भी खा लेता हूँ. अरे अरे ऐसा कुछ नहीं. मैं आ ही रहा था वहां तक. हां नहीं नहीं, मैं बिंदास हूं. मैं तो रेडी पे बैठ जाता हूं, चुपचाप लाओ भाई. हाँ. खा लेता हूँ, मजा आता है. उसका एक अलग टेस्ट होता है. जू में गीतांजलि है ना, उधर खाने का कभी आप? अच्छा, बहुत बाप है. थोड़ा लोकेशन उसका बलता है. नहीं ठीक है ना. हाँ. इसमें क्या यार, इस खाने मामले में शर्मा नहीं करनी, किधर भी जाके बैठ जाए. मैं बनपाव बहुत खाता हूं. एक अजीब जगह है ओशीवारा से पहले. क्या बात करो? हाँ, किधर पे? वहाँ पे एक अच्छा वो बन मस्का डालता है, वो सिग्नल के कोने में जो. हाँ, है सिग्नल से पहले जिधर अपना शूटिंग का सामान मिलता है ना. हाँ वही चाय. परफेक्ट परफेक्ट. मैं जयदीप अहलावत साहब के साथ वहाँ रुक के खाया था. बहुत कमाल की चाय है यार. बन मस्का चाय तो बॉम्बे स्टैंडर्ड. ये जो चीजें ना, ये आपके 5-स्टार में नहीं, नहीं ये आपके जितने जो है ना बड़े बड़े वो नहीं मिलते. वो जो खाने का मजा है उधर ही है. सही बोले. और मेरा हमेशा ना कोशिश ये होता है कि मैं रेस्टोरेंट में जाके खाने में मजा आता है. मैं घर पे भी मेरे को बहुत अजीब लगता है घर पे बना के खाना. हाँ. ठंडा हो जाता खाना, मजा नहीं आता जो फ्रेश जो होता है ना. अब आप छोले भटूरे घर पे मंगाओगे तो कहाँ भटूरे का मजा रहेगा ना? कैसे खाओगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो
मुंबई की भाषा भी मेरे को लगता है आपके बहुत करीब है, मुंबई की भाषा आप। मुंबई की भाषा तो वैसी ही जैसे अपन बात करेगा तो वो तो हो जाता है। बॉम्बे में मैं तो मुंबई में रहा हूँ बचपन से, तो हमेशा बीन अ मुंबई कर फ्रॉम द चाइल्डहुड बचपन से। तो कोई फेवरेट वर्ड्स हैं आपके लेकिन में से? मेरे बहुत ऐसे खुद के वर्ड जिसको मधुरिज्म बोलते हैं जी, बोलते हैं क्या अभी क्या बताओ, जैसे कि अच्छा है तो मैं जलवा बोलता हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, और खराब है तो झंडू बोलता हूँ, झंडू तो है सही पिक्चर, है पिक्चर में भी डालता हूँ मैं, वो फिर पॉपुलराइज हो जाता है, पॉपुलराइज हो जाता है। फिर कुछ खाता हो ना मेरे को अच्छा लगता है, मैं बोलता हूँ वाह दर्द है, तो एक दो जन मेरे को बोले दर्द है क्या, आई ओके ना ओके, और बहुत ही अच्छा लगता था, बोलता आवाज है आवाज है आवाज है, वाह खाने में आवाज है, क्या बात है। तो ये मेरे ये मधुरिज्म है। क्या हो गया? एम्बुलेंस को जगह दे रहा हूँ। हाँ प्लीज। ये आपने कैप्चर किया ही होगा लॉकडाउन की कहानी बनाई थी। हाँ बहुत जरूरी है, आप देखना पिक्चर में। मैंने तो लॉकडाउन बनाई है, इंडिया लॉकडाउन जो है वो स्टार्टिंग में 15-20 दिनों में क्या होता है, फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान ही है मैंने पूरी पिक्चर लॉकडाउन पे, ये नहीं बनाई कि फर्स्ट लॉकडाउन की, उसके लिए फिर आपको एक टाइम भी तो चाहिए, वेब सीरीज लगेगा। और मैंने ह्यूमन इमोशन पे ही कनेक्ट किया है, मैंने स्टार्टिंग के 15-20 दिनों में क्या होता है इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स, जैसे कि श्वेता बासु जो है उसने सेक्स वर्कर का रोल किया है कामाठीपुरा में, किस तरह से दे सर्वाइव्ड, वो कमाल है। तो शी इज डन अ फैब जॉब। मेहरू निशा का रोल किया है उसने। प्रतीक बब्बर साई तमनकर ने रोल किया है कि हाउ दे माइग्रेंट वर्कर चल के मुंबई से जा रहे हैं अपने गांव में। और प्रकाश भिलवाड़ी जो साउथ के हमारे बड़े अच्छे एक्टर है, वो उन्होंने काम किया कि एक अकेला आदमी बुजुर्ग बैठा है घर में, कैसे जाएगा अपनी बेटी को मिलने के लिए। और आना कुमरान हैज प्लेड अ पायलट जो उसको हमेशा घूमने का शौक है, 24/7 घूमती थी, सडनली वो घर में बैठी हुई है। तो ये कमाल का ये, और ये सब मैंने ना बताऊं आपको सीता जी, सब रियल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड रहा हूं मैं, दिख रहा है सर। आई टू नो सम एरोस्टेस, तो उसने मेरे को बताया कि भाई मैं ना इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं पायलट का कपड़ा पहन के घर में बैठती थी। अरे राम। तो विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फैसिनेटेड जस्ट लाइक दैट, कि बोलती मैं शाम को वाइन पीती थी और मैं पायलट का कपड़ा पहन के बैठ जाती थी ऐसे ही जस्ट फॉर अ फील। आपने मीम देखा कि नहीं पता नहीं, बट लॉकडाउन जब हुआ था तो एक मीम आया था। हाँ बहुत आया, कि एक फोटो है और आपकी फिल्म का पोस्टर है और कि ये आप बना दोगे ये फिल्म। आपको देखा आपने ये? देखा। अरे मैं देखा और आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, मेरे को ये गुस्बम आ गया कि यार फक, और मीम दुनिया ने बता दिया था ये होने वाला है। यार ऐसा है ना कि कभी भी कुछ भी किधर भी कुछ भी हो जाता है देश में ना, तो इमीडिएटली कोई ना कोई ट्वीट करेगा ना मधुर भंडारकर विल मेक अ फिल्म ऑन इट। ये पता नहीं क्या होता, हमेशा 4-5 नीचे आ जाते हैं कि मधुर भंडारकर इज थिंकिंग, आई एम श्योर ही इज मेकिंग टू मेक अ फिल्म ऑन इट। ओह वाओ। बट सर मैंने ना ये एक्टर्स और आर्टिस्ट से काफी पूछा एंड उनका तो परफॉर्मेंस वाला आंसर होता है, बट फॉर अ फिल्म मेकर इज इट एनी डिफरेंट प्रोड्यूसिंग फॉर से फिल्म वर्सेस ओटीटी? मैं आपको बताऊं एक बात, अच्छा सवाल पूछा आपने सर, कि देखिए ऑडियंस दोनों की है और दोनों ही आज एक्टर भी बहुत बड़े बड़े एक्टर ओटीटी पे फिल्म कर रहे हैं, डायरेक्ट भी रिलीज हो रही है उनकी कई से फिल्में। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म का तो डेफिनेटली मैजिक रहेगा, वो जाएगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन ओटीटी भी रहेगा पैरेलली, वो भी जाएगा नहीं क्योंकि टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते हो। ये बात सही है कि आज की तारीख में इंडस्ट्री में एक स्लंप आया है, बहुत बुरी हालत हुई है, कई पिक्चरें चली नहीं है, बड़ी बड़ी पिक्चरें नहीं चली है, लेकिन मुझे लगता है ना सर ये टेम्पररी है, ये फेज भी निकल जाएगा, अब वापस आ जाएगा 100%। देखिए मैंने कहा ना, मैं वीडियो कैसेट के जमाने से सुन रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री बंद हो रही है, केबल आया बोला फिल्म इंडस्ट्री बंद हो रही है, फिर अपना कुछ और पायरेसी आया बोला फिल्म इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो ऐसी कई चीजें आ रही है, फिर ओटीटी आया कहा फिल्म इंडस्ट्री बंद हो रही है, सीरीज उड़ने तो बोले फिल्म, ऐसा कुछ नहीं है, करेक्ट, दोनों को एग्जिस्ट करेगी और दोनों जाएंगे, लोग देख रहे कंतारा देखने जा रहे हैं ना लोग, क्या चाहिए बस, सुपर हिट फिल्म में क्या फिल्म बनाई है बंदे ने यार, पागल पर फिर अनबिलीवेबल फिल्म है यार, तो कितनी प्यारी फिल्म बनाई है, हो गया ना उसका 70-80 करोड़ का बिजनेस हो गया हिंदी में इस वक्त, हम बात कर रहे हैं उस वक्त, ओवरऑल तो 300 के ऊपर गई है जी, लेकिन आज जब हम बात करें तो इट्स ऑलरेडी क्रॉस 80-85। आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट यार, मैंने कौन जानता था ऋषभ शेट्टी को, कोई नहीं जानता था,
वो फिल्म एक अलग है, वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, वो फिल्म जो है वो कमाल का एक्सपीरियंस है। आप देखते हो, सही बोले आप। मैं थिएटर में गया तो आई वाज शॉक्ड, मैं नम हो गया जब पिक्चर देखने के बाद क्लाइमेक्स में। दो तीन घंटा हैंगओवर रहता है। आपने देखी पिक्चर? हाँ हाँ। हाँ, तो जब लास्ट में मैं बांद्रा थिएटर में गया था यहाँ पे ग्लोबस में, जहाँ पे बांद्रा में कहूंगा थोड़े से वो ऑडियंस थोड़ा सा एकदम से ये नहीं होती है, हाँ। वो रिलक्टेंट होती है तालियां बजाने में, लेकिन जो पिक्चर खत्म हुई यार, मैंने मैं तो वाकई में नम हो गया, क्योंकि मैं खुद बड़ा स्पिरिचुअल बंदा हूँ, तो मैं बहुत ही कनेक्ट कर पाया पिक्चर से। लेकिन वो जो खड़े होके लोगों ने तालियां मारी, स्टैंडिंग ओवेशन दिया, आई वॉज शॉक्ड कि मतलब कमाल है यार, ये फिल्म की क्या इज्जत है। And it deserved everything to it. And everything, Rishabh Shetty से मेरी बात भी हुई, मैंने उनको फोन करके, हमारे पास भी आए थे बॉम्बे जर्नी पे। अच्छा आए थे ना? हाँ जी हाँ। And I was so happy and I told him, I said, Rishabh, you deserve every bit of the appreciation which you are getting. You deserve it. कि हिंदी फिल्म में मुझे लगता है कि लोगों को राइटरों पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि आप उसका रीमेक, इसकी कॉपी, उसका वो, उसको बुला के। आप हमेशा बोले हो। मैं बोला हूँ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, इसके लिए तो अवार्ड्स के टाइम पे भी बोले हो। हाँ, मैंने बोला 100% मैंने बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि आप स्टोरी, रियल स्टोरी में जाइए। उस बंदे ने अपने स्टेट का कल्चर का एक हिस्सा दिखाया है जो पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड देख रहा है। सही बोले। तो ये आपको भी करना चाहिए, आपको भी थोड़ा सा उसमें रिसर्च करना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो। मेरे ख्याल से वो इन्वेस्ट, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाता है कि भीड़ चाल है, अरे वो अच्छी फिल्म है, मुझे मेरे को मेरे लोग बोलते हैं, मेरे यहाँ पे नीचे आप आए थे बिल्डिंग में, जितने वॉचमैन हैं, ड्राइवर जो बैठे रहते हैं, उनसे बात करते रहता हूँ जी, उन्होंने कहते हैं मेरे को कभी कभी, यार ये फिल्म क्यों बन रही है सर हिंदी में, मैं क्यों बोलता है, इसको तो हम देख चुके हैं डब हिंदी में, इसको जो ओरिजिनल जी पिक्चर है डब हिंदी में देख चुके, ऑलरेडी है वो यूट्यूब पे 3 साल से, क्यों बना रहे ये लोग। तो अभी वो जब इंसान ऐसा बोलता मैं क्या बताऊं आपको। मैं फिल्म इंडस्ट्री में, मैं बिल्कुल इसके लिए नहीं कि उनको बनाना उनकी चॉइस है, किसी को इंग्लिश फिल्म से बनाना है, किसी को स्पेनिश फिल्म से बनाना है, किसी को साउथ इंडियन फिल्म से बनाना है, वो बनाए। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश में इतने सब्जेक्ट से इतने अलग अलग मुद्दे है जी, आप खुद भी बना सकते हो इस तरह का सब्जेक्ट, इस तरह का थॉट जो आपको लगता है कि यार हम बना सकते हो। राइटिंग में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइटिंग लिखनी पड़ेगी। हमने बबली बाउंसर, हमको 1 साल लगा लिखने के लिए, हमको इंडिया लॉकडाउन 6 महीने लगे लिखने के लिए, लॉकडाउन के बीच में रुकी। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आपको रेडीमेड चाहिए कि ये है ये इसका ये उठा ले ये उठा लो बना लेते और शुरू कर लेते, तो फिर इन्वेस्ट, एक्टर्स हैज टू बी वेरी डेडिकेटेड टू देयर वर्क, द एक्टर हैज टू बी, द राइटर्स हैज टू बी मोर फोकस। मैं ये नहीं बोलता कि ये सब करने के बाद भी पिक्चर नहीं चलती है, कुछ चलेगी कुछ नहीं चलेगी, लेकिन एटलीस्ट यू आर एंड ऑफ द डे यू आर सैटिस्फाइड विद इट कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है। करेक्ट। एंड ऑडियंस के पास आज इतना चॉइस है यार, ऑडियंस क्यों जाएगी? काफी खर्चा भी होता है थिएटर में, ऑडियंस बहुत बड़ा, अरे थिएटर में जाना अपने आप में बहुत बड़ी एक शॉपिंग है वो। करेक्ट। कि आप समोसा भी खा रहे हो, ये भी खा रहे हो, वो भी खा रहे हो, ये भी खा रहे हो, तो अपने आप में खर्चा है। तो ऑडियंस को क्या है कि वो बैठ के, अच्छा ऑडियंस भी अभी कैसी हो गई है, अच्छा वो पिक्चर कैसी, अच्छी नहीं थी, अच्छा वो तो आ जाएगी ओटीटी पे एक वीक के बाद, मैंने अभी ऑडियंस बोलने शुरू हो गई, ये हो गया तो अरे वो ओटीटी पे आ जाएगी ना, आराम से देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि सही राइटिंग में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। उसमें अगर आप इन्वेस्ट करो तो ऐसी कई स्टोरी है जो हम बना सकते हैं। एक्चुअली मैंने किसी फिल्म मेकर से मिलकर सवाल नहीं पूछा, आपसे पूछता हूँ। हम लोग जब, मैं एड्स बनाता था, मैं अपने बॉस को पूछता था कि भाई सबसे बड़ा फकअप आपने क्या होते हुए देखा अपने सेट पे, तो उनका जवाब था कि जैसे कोई एक रोल ही भूल गए लाना, आउटडोर पे गए और पूरा स्टॉक के बिना पहुंच गए शूट पे। कैमरा वैमरा रेडी है, बोलते रोल, बोलते रे सर स्टॉक ही नहीं है। करेक्ट। तो ऐसा कोई फकअप हुआ जो आपको याद है? मैसिव ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक दो बार ऐसा हुआ है कि हम शूट करते हैं रील पे, और मैंने हीरोइन तक पिक्चर रील में शूट की है। क्या बात कर रहे हो? हीरोइन मैंने रील में शूट किया। अरे वाह। या बिकॉज़ मेरे डीओपी महेश लिमिट थे जी, वो चाहते थे रील पे का मजा है। हाँ, तो फिल्म पे हमने शूट की, हीरोइन, फैशन, ट्रैफिक सिग्नल, कॉर्पोरेट, जितनी फिल्में मैंने बनाई है हीरोइन तक मैंने गाना रील पे शूट किए। तो ऐसा होता था कभी कभी कि हम लोग शॉट ले रहे और सडनली वो कट हो गया, रील खत्म हो गई, और अपने को एक्टर सारा बोले यार इतना अच्छा शॉट दिया था मेरा यार, वो खास करके मेरे पीछे में, और रोना धोना डाला हुआ,
और इतना इमोशनल शॉट है और साला कट गया और बोले यार मधुर ये फिर से करना पड़ेगा अभी यार। अच्छा कभी कभी लगता है यार नहीं यार। अच्छा मेरा क्या है ना सिद्धार्थ, मैं ना मैं ज्यादा रेटिंग नहीं करता हूँ। नहीं क्या? मेरे में पेशेंस नहीं है। माने मैं सलाम करता हूँ वो लोगों को जो कहते हैं ओ मैंने 23 टेक लिए, 25 टेक लिए, 40 टेक लिए। मैं बोलता भाई क्या पेशेंस है तेरे में यार, कमाल है यार। मैंने अच्छा ये बता रहा हूँ मैं उस रील की बात, चलो रील तो कितना मैंने स्टॉक कितना ज्यादा था, महंगा होता था, एक्सपेंसिव था। लेकिन मेरे में ना मैं 2 टेक 3 टेक 4 टेक, वो भी 4 टेक मेरे वैसे नहीं होगा, एक्टर डायलॉग भूल जावे या कैमरामैन बोलेगा सर पीछे से ग्लेयर आ गया, फोकस आउट फोकस हो गया तो ही, अदरवाइज मेरे लिए फर्स्ट सेकंड टेक ही मेरे लिए ओके हो जाता है। एक्टर ने कहा है मुझे कि यार वो फलाना डायरेक्टर 18 टेक लेता है, 20 टेक लेता है, बाद में जब हमने फाइनल फिल्म देखा तो उसने स्टार्टिंग का जो फर्स्ट टेक है वही रखा है तो आपने 18 टेक क्यों लिया। अच्छा आर्टिस्ट ड्रेन हो जाता है। सही बात है। मुझे लगता है आर्टिस्ट के साथ साथ बाकी अगर चार सीन और चार एक्टर और भी उस सीन में है तो सबको अपनी लाइन बोलनी पड़ती है। हाँ। तो आदमी तो ड्रेन हो जाता है तो कैसे वो काम करेगा। और मुझे आदत नहीं है एक्टर को ड्रेन करने का कि भाई ये सीन है ये है ऐसा ऐसा मूड है। एक्टर उससे पहले शूट से पहले 10 बार मेरे से बात कर ले, इसका मूड क्या होना चाहिए मैं सब बता दूंगा। हाँ। मैं कभी कभी परफॉर्मेंस करके भी दिखा दूंगा कि भाई इस तरह से चाहिए, इस तरह से मुझे चाहिए, ये चाहिए। अगर एक्टर बोले नहीं ये डायलॉग में कुछ चेंजेस करते हैं मेरे को ऐसा लगता है मैं ये अच्छा बोल पाता, अगर मेरे को समझ में आता है यार ये सूट करता है। हाँ। तो आई गिव द लिबर्टी ऑल्सो। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं कि नहीं नहीं यही बोलना आपको, ऐसा नहीं है जो नहीं ठीक आपको कर था। एंड मैं कभी कभी एक्टर को छोड़ देता है, काम करो तुम कैसे डायलॉग बोलेगे बताओ, मैं उसके हिसाब से शॉट लगाता हूँ। ये भी मैं करता हूँ कि तुमको किस तरह से लगता है बता, आप बंदे मत रहो, कैरेक्टर का नेचुरल मूवमेंट समझ में आ गया ना, बंदे मत रहो कि नहीं नहीं मैं इधर रहूंगा तो इधर ही आपको डायलॉग बोलना, अगर आपको लगता है ये मैं शॉट चेंज कर देता हूँ। हाँ। तो ये मेरे में है क्षमता कि आई नो माय क्राफ्ट, कि मुझे पता है कि कैसा होगा। कभी कभी होता नहीं यार एक्टर बोलेगा यार बहुत लंबी लाइन है यार मैं पूरा 1 पेज में नहीं बोल पाऊंगा, ये बोल पाऊंगी इसको काट के ले सकते, डन हो गया मुझे, हाँ हाँ डन, मतलब कोई इशू नहीं है बता, कोई इशू नहीं उसको अलग उसमें लेगा। ये मैं आई एडजस्ट विद द एक्टर्स ऑल्सो, ऐसा नहीं कि नहीं बोल के कि नहीं नहीं कुछ जैसे 15-20 टेक। दूसरा एक मैंने देखा कि बहुत से लोग वो करते क्या बोलते हैं उसको, शूटिंग चालू से पहले क्या बोलते हैं उसको, वर्कशॉप। हाँ वर्कशॉप वर्कशॉप आजकल ट्रेंड है, बहुत बड़ा है बहुत जो करते, मैं बुरा नहीं मानता हूँ बहुत लोग करते, लेकिन मैं आपको और एक इसका चीज़ बताता हूँ। बहुत सी बार वर्कशॉप जो करते हैं, मैं कोई एक्टर ने कहा है, मैं अगेन ये नहीं बोल रहा हूँ एक्टरों ने कहा है मुझे भाई मैंने वो पिक्चर के लिए 15 दिन का वर्कशॉप किया, 20 दिन का वर्कशॉप किया, बड़े बड़े एक्टरों ने कहा है। उन्होंने बोला लेकिन जब हम सेट पे जाते हैं सर वो कुछ होता ही नहीं जो वर्कशॉप में बताया और कुछ भलता ये सीन आ जाता है। तो फिर हम पूछते भाई डायरेक्टर से कि ये वर्कशॉप आपने किया था वो तो ये सीन था, बोला नहीं अभी चेंज हो गया, मजा नहीं आ रहा अभी, ये फ्रेश है। तो फिर मैं सोचता हूँ यार कि आपने इतना वर्कशॉप किया, आप इतना एक ड्राफ्ट एक और लिख लेते हैं एक, हाँ क्योंकि ये बात सही है, क्योंकि डायरेक्ट क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि आपने वर्कशॉप किया चलो 2 महीने पहले, अब 2 महीने के बाद सेट पे जा रहे हो या 1 महीने के बाद जा रहे हो, कभी कभी आप सेट पे जाने के बाद आपको लगता है। अच्छा कई बार ऐसे भी होता है कि मैंने सीन लिखा है, मैंने खुद ने डायलॉग लिखा है, मैंने ही स्क्रीन को कंसीव किया है, मैंने ही सवेरे जाके इसको शूट किया है, और बाद में एडिट पे लगता नहीं यार ये वर्क नहीं करता है, ऐसा हो भी सकता है। 100% होता है, 100% होता है यार। तो सेम वैसे ही होता है कि हमने जो टेबल पे लिखा है वो एक ड्राइंग रूम में बैठ के लिखा है, जब हम सेट पे जाके हम लोग लगता नहीं यार ये डायलॉग काम नहीं करेगा यार, ये वर्क नहीं करता। अच्छा हो सकता है 1 महीना पहले बहुत अच्छा लग रहा था आपने, एक महीने के 1 दिन पहले अच्छा लग सकता है आपको, लेकिन सेट पे जाके नहीं यार ये डायनेमिक्स में नहीं बैठेगा, डायलॉग अच्छा नहीं लगता है मत रखो। अच्छा मैंने कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने खुद स्क्रिप्ट बहुत लिखी है और मैं 6 महीने के बाद ना उसको पढ़ता हूँ, यार क्या बेकार है यार, ये साला क्या है मैंने लिखा है, फट नहीं बना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द बॉम्बे जर्नी सर, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छा है, इट्स अ फन। थैंक यू सो मच, दिस इज इट साइनिंग ऑफ। आप मैशेबल इंडिया पे कमेंट्स करके बताओ आपका फेवरेट पार्ट क्या था, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।